अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग घर में बैठे ही किस तरह से अपने कपड़ों की कटिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो मैं कटिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पेंट कटिंग है। पेंट ट्राउज़र जो है उसकी कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये बिल्कुल बिगनर के लिए भी है वीडियो, और जो ऑलरेडी स्टिचिंग और कटिंग जानते हैं ये वीडियो उनके लिए भी है। ये वीडियो दोनों को ही फ़ायदा देगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी मेरी वीडियो को कर दीजिएगा देखने के बाद, ठीक है। तो अभी बिगनर्स को भी मैं साथ में लेके चलूंगी कि उनको आइडिया नहीं होता कि हमने जो कपड़ा होता है हमारे पास ट्राउज़र का, उसको हमने किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से बिछाना है, किस तरह से उसकी कटिंग करनी है। तो ये देखें, ये मेरे पास ट्राउज़र का कपड़ा है। ये मैं फायर वालों से अभी रिसेंटली एक ड्रेस लेके आई थी, तो इसकी शर्ट तो ऑलरेडी स्टिच हो चुकी है, लेकिन जैसे कि मेरे सैलून में हर तरह का काम होता है सीखने के लिए, जैसे मैं सैलून में निटिंग सिखा रही हूँ, कटिंग सिखा रही हूँ, सैलून से रिलेटेड काम जो है वो लड़कियाँ सीख रही हैं, तो ये तीनों काम यहाँ पे मैं सिखा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को। साथ साथ जो काम मुझे आते हैं वो लोग आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ और अपने स्टूडेंट के साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जब भी कोई कपड़ा हमारे पास नया आता है तो वो इस तरह से आता है, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये तय हुआ हुआ होता है और इस फॉर्म में आता है। अब मैंने इस कपड़े को इसी तरह से श्रिंक किया था, श्रिंक करने के बाद मैंने इसको इसी तरह से प्रेस किया था। ये देख रहे हैं, ये मैंने प्रेस किया हुआ है, हमारे पास कपड़ा इसी तरह से आता है। तो जब आप इसी तरह से इसको श्रिंक करते हैं तो ये कपड़ा कभी भी आड़ा तिरछा नहीं होता, इसमें जो है वो तिरछापन नहीं आता जब आप इसी तरह से इसको श्रिंक करते हैं। तो ये फर्स्ट टिप है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसी तरह से इसको श्रिंक करके सूखने के बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया था। अब मैं इसको नीचे बिछाने लगी हूँ और इसकी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि आप लोगों ने इसको किस तरह से कटिंग करनी है। और ये मैं आपको क्या सिखाने लगी हूँ, ये मैं आपको पेंट ट्राउज़र की कटिंग सिखाने लगी हूँ, ठीक है। कटिंग के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो आपके पास एंची टेप होनी चाहिए, ठीक है, सीज़र होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास मार्किंग के लिए ये होना चाहिए, आपके पास चॉक होना चाहिए, और जब आप स्पेशली पेंट की ट्राउज़र कटिंग कर रहे हो तो ये स्केल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है स्केल तो भी कोई इशू नहीं है, आपकी ड्राइंग अगर अच्छी है, नहीं भी अच्छी तो भी मैं वो भी मेथड आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखें, मार्क के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि ये मैंने कपड़ा बिछाया है, तो ये सिंगल कपड़ा है, ठीक है। पेंट के लिए आपने क्या करना है, इसी तरह से आपने इसको बिछाना है, बिछा के अब देखें कि मुझे रखनी है अपनी जो पेंट है उसकी, जो मुझे रखनी है लेंथ रखनी है रेडी, जो मुझे फुल रेडी चाहिए वो मुझे 37 में चाहिए, 37 इंचेस चाहिए मुझे। आप अपने अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ऊपर जो है वो मैं फोल्डिंग के लिए, जो नेफा है उसकी फोल्डिंग के लिए 2 इंच छोड़ूंगी। यहाँ पे देखें मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। 2 इंच की मार्किंग के बाद यहाँ से मैं 37 पे मार्क करूँगी, यहाँ पे ये देखिए 37 पे मैंने मार्क कर लिया। के बाद जो नीचे मुझे फोल्डिंग के लिए चाहिए उसका मैं 2 इंच वहाँ से भी मैं छोड़ रही हूँ, ये यहाँ पे, तो इसका मैं मार्क कर रही हूँ 2 इंच पे मैंने ये मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद सेम उधर से भी आपने मार्क कर लेना है ताकि ये फुल इक्वल हो। पहले हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की, ठीक है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब देखें कि हमने क्या किया था, 2 ऊपर हमने फोल्डिंग के लिए लिया था, 2 इंच हमने नीचे से फोल्डिंग के लिए, जो हमारा पोंचा होगा उसके लिए हमने फोल्डिंग के लिए लिया था। फ्रंट पार्ट हमारा जो है वो छोटा होता है, इसीलिए हम उसको अलग से कट करते हैं। जो हमारी बैक साइड होती है पेंट ट्राउज़र की वो बड़ी होती है 2-2 इंच, इसलिए हम उसको बाद में कटिंग करेंगे। ये हमारा होगा साइड वाला एरिया,
वो हमारा होगा इनर पार्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ, और वो ये है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा टाइट ट्राउज़र्स पहनती हैं या आप पैंट्स पहनती हैं तो उसमें खिंचाव नहीं पड़ेगा, अगर आप ये टिप जो है इसको फॉलो करेंगे। ये देखें, फोल्डिंग वाली साइड पे मैं 2-2 इंचज़ पे फुली मार्क किया है, मैंने फुल मार्क करके मैं इसको, ये जो फोल्डिंग वाला कपड़ा होता है साइड वाला, मैं उसको कटिंग कर रही हूँ। इस तरह करने से ये चीज़ होगी कि आपके पैंट्स में या आपके ट्राउज़र्स में कभी भी खिंचाव नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, कटिंग करने के बाद देखें कि मैं अब कटिंग के लिए मार्क कर रही हूँ एग्जैक्ट जो कटिंग होगी। अब ये देखें कि मैं फ्रंट वाली कटिंग कर रही हूँ, तो ऊपर से जो मैंने इसकी विड्थ रखी है वो मैंने 12 इंच रखी है, और आसन की जो लेंथ है वो भी मैं 12 इंच रख रही हूँ। दोनों तरफ से आपने 12-12 इंचज़ पर मार्क कर लेना है, तो ये हमारे पास एक बॉक्स की सूरत में आएगा। उसके बाद जो आसन वाली साइड है उस तरफ से मैं 1.5 जो है वो मैं बढ़ा के वहाँ पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आसन में हम थोड़ी सी गुलाई देते हैं, ये उसके लिए है। अब यहाँ पे देखेंगे हम पोंचे का मार्क लगाएंगे, आपने 6 इंचज़ पे मार्क लगाना है, ठीक है। 6 इंचज़ पे मार्क लगाने के बाद आपने क्या करना है कि जो 6 इंचज़ का मार्क लगाया है आपने, उसके दोनों साइडों पे, लेफ़्ट और राइट साइड पे, आपने 3-3 इंचज़ पे मार्क लगाना है, ठीक है। 3-3 इंचज़ पे ही मार्क लगाना है, ज़्यादा मार्क नहीं आपने लगाना, क्योंकि हम फ्रंट साइड की जो हम कटिंग अलग से करते हैं उसमें हम सिलाई का मार्जिन नहीं रखते हैं, ठीक है। सिलाई का मार्जिन जो हम रखते हैं, निकालते हैं, वो हम बैक साइड पे निकालते हैं, जो हमारा बैक साइड होती है, कपड़ा होता है उसमें से हम निकालते हैं जब हम पेंट शेप की कटिंग कर रहे होते हैं। अब इन मार्क्स के साथ हम इनको आपस में मिला देंगे, अगर आपके पास ये स्केल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इस तरह से मार्क करके कटिंग कर लें। उसके बाद जो मैंने आसन पे मार्क्स लगाए थे उन मार्क्स को मैं आपस में जॉइंट कर दूंगी, आपस में जोड़ दूंगी इस चाक के साथ। उसके बाद जो मेरे पास ये स्केल है, स्केल रख के मैं यहाँ पे भी मार्क कर लूँगी इनको, इन जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में मैं मिला दूँगी। सेम दूसरी तरफ से भी मैं यही चीज़ करूँगी कि जो दूसरी तरफ से मार्क लगे हुए हैं उनको भी इसी तरह से मैं यहाँ पे रख के मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी। आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आपने हाथ से जो है वो इनको आपस में मिला देना है, और फिर जहाँ जहाँ पे आपने ये निशान लगाए हैं उसी के साथ साथ रख के आप कटिंग कर दें। तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने सेकेंड पार्ट की जो है वो कटिंग करेंगे, और वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद देखें, ये जो फ्रंट पार्ट है वो मैंने बिछा लिया है दूसरे वाले कपड़े पे, अब बैक साइड की कटिंग करने के लिए। तो ये देखें कि 2-2 इंचज़ आपने उसी तरह से साइडों से उतारना है ताकि आपके ट्राउज़र में खिंचाव ना पड़े। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि पहले फ्रंट साइड से मैं कटिंग कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद आ जाते हैं हम जो है वो बैक साइड की तरफ। तो अब वो जो आपने सिलाई वगैरह का मार्जिन निकालना है वो आपने निकालना है बैक साइड की कटिंग में। तो फ्रंट साइड की जो कटिंग है उसके साथ साथ आपने 2-2 इंचज़ पे मार्क लगाते जाना है, जो नीचे वाला बैक साइड वाला कपड़ा है उस पे आपने पूरे एंड तक जो है वो पोंचे की कटिंग तक आपने क्या करना है कि 2-2 इंचज़ पे मार्क लगाते जाना है। तो ये देखें, 2-2 इंचज़ पे मैंने मार्क लगा के उनको आपस में मिला दिया है, और उसके बाद मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। अब ये जो हमने 2-2 इंचज़ का गैप दिया था ना, इसी में से हमारा जो सिलाई का मार्जिन है वो भी निकलेगा, और थोड़ी बहुत जो हमें गुंजाइश चाहिए होती है यानी कि खुली होने में, वो भी हमें इसी में से मिलेगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो ये हमारी रही फाइनल कटिंग। अगर आप इसकी चाह रहे हैं स्टिचिंग सीखना, तो ये इसको किस तरह से स्टिच किया जाता है, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं वो भी वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।